हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बुलेट सिंह और आज हम देखने वाले कि अगर आपके पास पल्सर 150 ओल्ड वाली या 180 ओल्ड वाली या पल्सर 200 ओल्ड वाली है तो जिसमें ओल्ड वाला हैंडल रहता है, जैसे देख लो ये सबको ये दिख रहा है, ये है ओल्ड वाला हैंडल। ओके, सो आप चाहते हो उसमें KTM का सिंगल हैंडल लगाना तो भी आराम से हो जाएगा। 2 दिन काम करना पड़ेगा आपको। सो मैं आप ये वीडियो में देखने वाले हो तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें KTM का हैंडल लगा है, सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए, ये है KTM का हैंडल, KTM 200 का हैंडल है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सेम रहता है, मतलब पल्सर 150 में, 180 में या 200 ओल्ड में ऐसे ही रहता है, सेम, कुछ चेंजेस नहीं रहता। तो आपको ये जो KTM का हैंडल है, यहाँ पर आके इसका ये जो मोटापा है, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सब कुछ आपका सेम लग जाएगा। मतलब जो पल्सर का देखो, ब्रेक लीवर है, एक्सीलेटर है, ये सब स्विच बटन है, ये है, ये परफेक्ट लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये मोटा हो जाता है। तो ये फिक्स करने के लिए आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा, तो हमने क्या किया, इसके अंदर कटाव किया है, मतलब कट किया है, जिसके अंदर गैप बन गया और ये पाइप फिट हो गया, तो भी इतना गैप बचा हुआ है, लेकिन हैंडल एकदम अच्छे से फिट हो गया। और ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, मतलब यूज़ कर रहे थे मेरे सर, और अभी तक वैसे ही है। मैंने थोड़ा सा इसमें काम किया था तो थोड़ा काम ख़राब हो गया था, तो इसको वापस से इंस्टॉल किया है। तो आप देख रहे हैं कि 150 में 200 का हैंडल इंस्टॉल कर दिया गया है। तो आप ये आगे देखने वाले हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, तो ये हैंडल चेंज करना है, तो डुबका लगाना है, तो हैंडल को सबसे पहले पूरा तो ओपन कर ले, जैसे कि देखिए डिस्क ब्रेक का हिल निकाल दिया। ओके, थैंक यू। डिस्क ब्रेक का निकाल दिया है, फिर ये भी खोल के निकालेंगे, ये भी बाहर आएगा और ये भी निकाल देते हैं खाने के लिए। देखिए इसमें ना ग्रिप बनाया है, क्योंकि यहाँ का डूब का ना मोटा पाइप है जो इसमें नहीं आएगा, तो ये निकाल के देखिए यहाँ पे ग्रिप बनाया है, और सेम यहाँ पे ग्रिप बनाया है, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, दोनों में ग्रिप बनाया है जो इसमें नहीं है। तो डूब का जो हैंडल है वो थोड़ा मोटा है, तो मैं ये पूरा चेंज करने वाला हूँ। तो ये एक दो, यहाँ पे एक दो, तो ये दोनों आएगा। तो हैंडल को पूरा ओपन कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी खुल गया, और ये LNK ये नहीं आ रहा बाहर, पकड़ो, ये खोलना पड़ेगा आपको थोड़ा ध्यान। ओके, खुल गया नया, अपने पास ऐसा एक नया है, उसमें नया डालेंगे यहाँ पे, नहीं करके लगाएंगे। ये नया कितने का मिलता है बताएगा। ओके, सो ये भी खुल गया है, तो लास्ट ये बच गया था भाई, और मुझे बताया भी नहीं। तो ये जुबैद तो मुझे आइडिया दिया था, किसके बारे में, कैम शॉप के बारे में बताया था, और वो पाउडर के बारे में बताया था वही। तो ये भी खुल गया, सो ये आया बाहर। ओके, तो देखिए इसमें कोई गैप नहीं है, और ये हैंडल भी आ गया बाहर। ओके, उधर से वो हैंडल निकाल रहे, अब बच गया ये एक नट, ये एक नट, और ये तीन टोटल, गैप नहीं है। और यहाँ भी देखिए कितना सारा गैप बना है, LNK से खोल दो करेंगे भाई, गाड़ी बना नहीं। ओके, क्योंकि इसमें भी एक नट है, वो भी खोलना पड़ेगा। टेंशन लो, सॉरी क्या। तो ये भी, ये एक्चुअली SS का तो मस्त है, जंग लगने का टेंशन नहीं। इसमें निकालना है इग्निशन, तो इग्निशन का भी था, मुझे तो मेरा भाई ने खोल दिया। माल वाली आंटी आ गया बाहर, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो देख सकते हैं आप इसमें कितना गैप है, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, बट ये गैप की वजह से इसको रख देते साइड में। और ये जाएगा अभी, जो लगा था हमने वो लगाया, वही लगा देते, मतलब जो पहले था इसमें वही। तो मेरी गलती की वजह से ये हुआ था। तो आप देख पा रहे इसमें कि KTM का अगर आप सोच रहे हैंडल डालने के लिए ब्रॉड, तो ऐसा गैप बनाना पड़ेगा। ओके, ए इग्निशन मैन, ओके, इग्निशन बराबर, हाँ। सो देखिए ये बैठ गया ऊपर, थोड़ा इधर हथौड़ी मारना पड़ेगा, मतलब छोटा हथौड़ी। ये भी यहाँ पे, ये तूने फुल, सो ये रहा, तो वापस से, तो सबसे पहला
जो क्लच का लीवर है वो क्लच लीवर गया इसमें। ये केटीएम बीच में दिखना चाहिए ऐसे, हाँ ऐसे ऊपर रहना चाहिए केटीएम। इतना ही जाएगा ना? इतना ही जाएगा, हाँ इतना ही रहेगा। ये रहा, तो अब क्या आप बस टाइट कर रहे हैं इसको और बाकी सब किट जो है लग जाएगा। तो यहाँ पे टाइट करते समय आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये हैंडल नीचे ना हो, तो इसको ऊपर करने वाले हाँ ये ऊपर लग रहा है, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, ऐसे पास में ले, हाँ ये सही है, गैप है ना यहाँ पे, हाँ किधर ये रहा लास्ट, ये दिख गए टाइट, ये दिख पाती है और ये यहाँ पे टाइट कर दो ये, और ये टाइट करना, बाकी हैंडल तो बैठ गया भाई, बस क्लास सही, बस यही प्रॉब्लम है देखिए इसका इग्निशन। आपने देखा कि पल्सर 150 में 200 का हैंडल इंस्टॉल कर दिया है, ये ऐसा क्यों किया है, मतलब इंस्टॉल क्यों किया? पल्सर 220 मतलब पल्सर 150 का जो हैंडल था वो एकदम सीधा था, बॉडी मतलब रिलैक्स आराम से बैठता है, हाथ दोनों हाथ एकदम क्लोज रहते हैं, तो लेकिन जैसे KTM का इंस्टॉल मतलब किया तो हाथ कैसे थोड़े से ब्रॉड, मतलब जो अपना शोल्डर है शोल्डर से जो हाथ की दूरी है वो थोड़ा ऐसा फैल जाता है, तो अब ये पास में है मतलब 150 का और ये हाथ थोड़ा फैल जाएगा, तो लुक कैसे थोड़ा एकदम शोल्डर आपके जो है वो बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा लुक बड़ा सा दिखेगा, तो बस यही है लुक के लिए बस इंस्टॉल किया है। तो आप चाहते हैं कि अगर आप भी ऐसा कुछ तो आराम से कर सकते हैं, वन ओल्ड वाले में आराम से 200 लग जाएगा, बस आपको वहाँ पे वो ग्रिप बनाना पड़ेगा, तो ग्रिप को कोई भी लेथ वाला आपको बना के दे देगा, ग्रिप लेथ बनाना है मतलब ग्रिप बनाना है ला के इंस्टॉल कर देना, तो अभी के लिए बस। सो ये रहा आप लोगों के लिए एक छोटा सा और वीडियो, तो आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले कि और आपको क्या देखना है और कुछ अलग। सो बाय बाय।